बिहार में जो है यूपी का बुलडोजर आ गया, और जो है अभी कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड में आप देख सकते हैं। इसको देखो यार भैया, उस पर क्या कानून नहीं है, मुखेर कानून है, वो तो देख ही रहे हैं। शहीद के पिता को कल लम जहां गए थे उसको जेल में बंद कर दिया, लात जूता मारा गया। अभी रक्सौल में आर्मी मैन को मारा गया, धारा लगाने के लिए पैसा, धारा निकालने के लिए पैसा। हमाम में सब नंगे हड्डाल पर उल्लू बैठा है, जिसको एमएलए एमपी बनाते हो उससे पूछते क्यों नहीं हो? उसको चट्टा की औकात नहीं है बुलडोजर के सामने मरने की, अपनी जनता को बचाने की? गलत तरीके से बिना नोटिस के आप कैसे कर सकते हो भाई? किसी माफिया, जमीन माफिया और सीओ से मिली भगत करके आप किसी का घर उजाड़ दोगे? ऐसे लोगों पर एफआईआर की जरूरत है और जेल भेजने की जरूरत। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। सब एमएलए एमपी उसी के तरह है आपका, ना अपराधी का नाम लेता है ना माफिया का नाम लेता है, बैठा रहता है बगुला भगत की तरह। कब हिंदू मियां होगा, कब यादव राजपूत भूमिहार बावन होगा कि हम चुनाव लड़े? कोई मीनिंग है? कोई लड़ता है क्या? कोई संघर्ष करता है? कोई लेना देना है क्या? चले।